नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। वेल दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम 5 का तड़का को लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। आप जानते ही होंगे कि 5 का तड़का में हम बैक टू बैक 5 ऐसी खबरों के बारे में बात करते हैं जो कि लाइमलाइट का कारण बनी रहती है। हम 5 के तड़का में आपको बताते हैं कि कैसे तड़कती भड़कती इन खबरों ने इन दिनों बॉलीवुड गलियारों में प्रॉपर पूरे तरीके से सनसनी मचा रखी होती है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा को लेकर और साथ ही साथ निक जोनस को लेकर। सही सुना आपने, साल 2018 का वो कपल जो कि दिसंबर के महीने में शादी के बंधन में बंध गया। यूं तो इनको डेटिंग को ज्यादा समय नहीं हुआ था, डेट किए हुए इनको ज्यादा समय जहां नहीं हुआ था तो वहीं शादी का फैसला एक बेहद बड़ा फैसला लग रहा था। लेकिन इसी बीच अब सामने आ रहे हैं प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के कुछ ऐसे इंटरव्यूज जो कि इन शादी पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जब शादी हुई थी तो निक जोनस जो हैं अमेरिकन फेमस सिंगर हैं, ये बात आप सभी जानते होंगे, लेकिन हिंदी रीति रिवाजों से और साथ ही साथ भारतीय परंपराओं से वो थोड़ा सा कम अवगत होंगे, उनको थोड़ा कम पता होगा। लेकिन इसी बीच कैसे प्रियंका चोपड़ा को लेकर उन्होंने तमाम स्टेटमेंट्स दिए हैं आप ये जानेंगे। तो वहीं तड़कती भड़कती इन खबरों में खबरें जुड़ी हुई हैं अंबानी परिवार में हो रही शादी को लेकर। जी हाँ, यूं तो अंबानी परिवार में हो चुकी है श्लोका और साथ ही साथ आकाश अंबानी की शादी, लेकिन अभी भी कुछ परंपराएं ऐसी बची हैं जो कि होनी बाकी हैं, रिसेप्शन होना बाकी है। तो वहीं बात की हमने आज आपसे कि कैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस सबसे ज्यादा लाइमलाइट का कारण रहे और अंबानी परिवार कैसे लाइमलाइट का कारण रहे। अब क्या है ये 5 तड़कती भड़कती खबरें, आइए आपको बैक टू बैक दिखाते हैं। निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने जब से अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया तब से वो लोगों के कपल गोल्स बन रहे हैं, कपल गोल्स दे रहे हैं लोगों को। तो वहीं शादी के बाद जहां प्रियंका काफी खुश हैं तो वहीं करण ने भी अपने चैट शो के दौरान प्रियंका चोपड़ा से ये कहा था कि उन्होंने पीसी को इतना खुश पहले कभी भी नहीं देखा। प्रियंका और निक ने बीते साल जोधपुर के उम्मीद भवन पैलेस में ग्रैंड शादी की थी, तो वहीं उनकी शादी की चर्चाएं पूरे देश भर में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी रही। तो वहीं हाल ही में एक शो के दौरान जब निक से पूछा गया कि शादी में इतनी सेरेमनीज के बीच क्या उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब बहुत हो गया, तो इस सवाल पर निक ने जवाब दिया हाँ। उन्होंने ये भी बताया कि किस वक्त उन्हें लगा कि अब सेरेमनीज बंद कर देनी चाहिए। बता दें आपको कि निक जोनस ने बताया कि जब बिल्स देखे तो उन्हें लगा कि अब बहुत सेरेमनीज हो गई है। बता दें आपको कि शादी के बाद प्रियंका निक की प्यार भरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में हैं। प्रियंका जोनस ब्रदर के हाल ही में रिलीज हुए सिंगल सकर में भी नजर आई थी। तो वहीं आपको ये बताना चाहेंगे कि शादी के वक्त जहां रस्मों को रोक देना चाहते थे निक जोनस, तो अब ये काफी वायरल हो रहा है। दरअसल निक जोनस को ये सभी रस्में काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि प्रियंका और निक की शादी जैसे ही हुई तो वहीं बॉलीवुड की सबसे आलीशान शादियों में से एक ये शादी शुमार हुई। प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस से दिसंबर साल 2018 में एक रॉयल वेडिंग, शादी दो तरीकों से हुई थी, एक तो क्रिश्चियन रीति रिवाजों से और दूसरी हिंदू रीति रिवाजों से। शादी की रस्मों में कॉकटेल पार्टी, संगीत, मेहंदी और रिसेप्शन जैसी कई रस्में निभाई गई। हाल ही में निक ने अपनी शादी को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया। निक के अनुसार शादी की रस्में निभाते वक्त एक ऐसा समय आया था जब उन्हें लगा कि ये शादी रोक देनी चाहिए। निक एक हॉलीवुड रियलिटी शो द लेट लेट शो विद जेम्स कॉर्डन में पहुंचे थे और शो में निक का एक लाइव डायरेक्टर सेगमेंट हुआ। इसमें निक से एक अजीब सा सवाल पूछा गया था जो कि शादी से भी जुड़ा हुआ था। बता दें आपको कि इससे पहले जोनस ब्रदर्स ने ये बताया था कि प्रियंका के ससुराल में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि पहले उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था, यहाँ तक कि कई बार उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ। चैट शो के दौरान निक के भाई केविन ने बताया कि उनकी छोटी बेटी वालेंटीना को प्रियंका के साथ कंफर्टेबल होने में काफी ज्यादा वक्त लगा। केविन ने बताया कि अब तो मेरी बेटियां
घर की नई मेंबर प्रियंका चोपड़ा के साथ सहज हैं, लेकिन शुरुआत में छोटी बेटी वालेंटिना को काफी ज्यादा मुश्किलें हुई। वो निक के काफी ज्यादा करीब है और उन्हें लेके प्रोटेक्टिव भी है। जब शुरुआत में प्रियंका निक से मिलती थी और उनके कंधे पर हाथ रखती थी तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता था। यहाँ कई बार खबरें तो ऐसी भी वायरल रही कि उन्होंने प्रियंका का हाथ भी निक के ऊपर से हटा दिया। केविन ने आगे ये भी बताया कि वेलेंटिना अगर निक के आसपास होती तो वो प्रियंका का हाथ छटक देती। बता दें आपको कि धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि प्रियंका भी अब इसी फैमिली का हिस्सा है और वेलेंटिना अपनी चाची के साथ काफी ज्यादा सहज है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की शादी की। यूं तो 9 मार्च को ये दोनों शादी के बंधन में बन चुके हैं, लेकिन अब फिर से चर्चाओं में बना है अंबानी परिवार अपने घर आए गेस्ट को लेकर। इन्हीं गेस्ट के बीच जहां तमाम बॉलीवुड सितारे नजर आए तो इन्हीं सितारों के बीच नजर आए दबंग खान सलमान खान भी। यूं तो दबंग खान सलमान खान ना ही तो किसी वीडियो में नजर आ रहे हैं, ना ही उनकी कोई वीडियो सामने आई एंट्री की, ना ही डांस की और ना ही कोई एग्जिट की। लेकिन दबंग खान की अब हम कुछ चुनिंदा तस्वीरें लेकर आए हैं जहां उन्होंने रणवीर सिंह से हाथ मिलाया है, तो वहीं दबंग खान सिंपल शर्ट में इस शादी में पहुंचे हैं। को बता दें कि बिल्कुल ही सिंपल लुक में नजर आए दबंग खान, एक ब्लैक शर्ट में नजर आए, तो वहीं उनकी एंट्री काफी ज्यादा धमाकेदार थी, इस बात में कोई भी दोराहे नहीं है। ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि अंबानी परिवार के घर अपना रुतबा नहीं दिखाया दबंग खान ने जिस तरीके से वो सिंपल अवतार में पहुंचे। हाल ही में आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की शादी में कई सितारों ने ग्रैंड एंट्री मारी, लेकिन इसी बीच नजर आए खेल जगत से युवराज सिंह भी। वेल, जैसे ही प्रियंका की एग्जिट हुई तो एंट्री होती है युवराज की और ऐसा लग रहा है कि प्रियंका को देखते ही रह गए हैं युवराज और कहीं ना कहीं बौखला गए, और साथ ही दिखाते हैं आपको कि कैसे उन्होंने जबरदस्त एंट्री मारी। आज आकाश अंबानी की ग्रैंड वेडिंग होने वाली है श्लोका मेहता के साथ, लेकिन क्या आपको पता है कि बारात निकलने से पहले आकाश अंबानी ने क्या किया है? जी हाँ, आकाश अंबानी के संस्कार दिखाई दिए हैं जो कि बेहद ही खूबसूरत दिए हैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने। जहाँ अपनी पिछली रिपोर्ट में हमने आपको ये बताया था कि कैसे आकाश अंबानी ने पूरी फैमिली के साथ ग्रैंड एंट्री मारी हाल ही में, तो वहीं बारात निकलने से पहले दादा धीरू भाई अंबानी को याद कर भावुक होते दिखाई दे रहे हैं आकाश अंबानी। आप देख रहे होंगे हमारे इस तस्वीर के जरिए कि किस तरीके से दादा धीरू भाई अंबानी का तिलक कर रहे हैं आकाश अंबानी और कैसे दिखाई दिए हैं वो इस फोटो में। खैर, कुछ ही घंटों में शादी पूरी हो जाएगी जो कि इस साल की ग्रैंड वेडिंग बताई जा रही है। मन तो कर रहा था शादी को बीच में ही रोक दूं, इस तरह के स्टेटमेंट देकर निक जोनस ने सभी को चौंका दिया। दरअसल जिस तरह की परंपराएं बैक टू बैक हुए जा रही थी निक जोनस के साथ जो लगातार ही परंपरा की जा रही थी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा जहां काफी ज्यादा खुश थे अपनी शादी में, बहुत ही ज्यादा खुश था पूरा परिवार और साथ ही साथ सभी के सभी, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान नजर आए यहां पर निक जोनस नजर आए। आपने हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए जाना होगा कि आखिरकार क्या स्टेटमेंट्स दिए निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा को लेकर, इस शादी को लेकर और साथ ही साथ कैसे
ये कपल लाइमलाइट का कारण रहा। हमने आपको ये भी बताया कि कैसे प्रियंका चोपड़ा के भी पहले स्टेटमेंट वायरल हुए थे। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि उस स्टेटमेंट में भी प्रियंका चोपड़ा ने बोला था कि उनकी माँ तो उनसे नाराज हो गई थी क्योंकि सितारों की लिस्ट बहुत ही कम थी। इसके अलावा दोस्तों अंबानी परिवार में आकाश और श्लोका मेहता की शादी, इस शादी को अटेंड किया है खुद प्रियंका चोपड़ा ने भी और अपनी मम्मी यानी कि मधु चोपड़ा के साथ, और साथ ही साथ नजर आई थी अपने भाई के साथ। खैर ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ। ये था हमारा आज का 5 का तड़का प्रोग्राम। ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।